वेलकम अगेन स्टूडेंट्स, एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 39 फोर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है बच्चों आपके लिए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 2 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और इस वर्कशीट में हम बच्चों, हमारा चैप्टर कौन सा कंटिन्यू है, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लास्ट वर्कशीट में हमने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, और इस वर्कशीट में हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, व्हाई डू वी फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली ऑन द मूविंग बस। तो सभी बच्चों ने जो है ये देखा है कि अगर बस जो है वो अचानक से चलने लगे या बस जो है अचानक से रुक जाए, तो हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारे हमको जर्क फील होता है, आगे या पीछे की तरफ हम गिरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। ज्ञान, वी गेट इट्स आंसर बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों, न्यूटन्स के जो लॉ है उनमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसका रीजन है। तो आइए देखते हैं ये है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। सो बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपनी रेस्ट की स्टेट में है या अपनी मोशन की स्टेट में है, तो वो तब तक उसी स्टेट में बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। द नेचुरल टेंडेंसी, आप ये इसको फोकस कीजिए, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ये एक नेचुरल टेंडेंसी है टू रेजिस्ट अ चेंज, यानी कोई भी उसके अंदर अगर चेंज आ रहा है तो वो उसका रेजिस्ट करेगा, उसका विरोध करेगा, ओके। इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल जो टेंडेंसी है कि उसके अंदर कोई भी चेंज ना आए, उसको वो रजिस्ट करता है। कोई भी चेंज अगर आता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट वो मोशन में है तो वो मोशन में बना रहना चाहता है, जब तक कि उस पर हम कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और उसकी ये जो प्रॉपर्टी है रजिस्ट करने की, उसको हम कहेंगे दैट इज इनर्शिया, ओके। क्या कहेंगे, इनर्शिया। नाउ इन अ मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन। बस में क्या होता है कि जब बस चल रही है तो एवरीथिंग, जो भी बस में बैठे हैं सभी किस में है, मोशन में है। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक, लेकिन जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है, सडनली द बस गेट स्टॉप, और अचानक से क्या हो जाती है, बस जो है वो स्टॉप हो जाती है। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन मोशन फॉर अ वाइल। बच्चों, जो हमारे जो लेग्स हैं, हमारे पैर हैं, वो बस के कांटेक्ट में हैं। तो जैसे ही अप्लाई हम ब्रेक अप्लाई करते हैं बस में, तो क्या होगा, बस जो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो हमारा जो निचला पोर्शन है वो ऊपरी जो भाग है हमारा, उसके कंपैरेटिवली जल्दी जो है किस में आएगा, रेस्ट में आता है। और जो अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में रहना चाहेगा, ओके, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सो वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, और इसीलिए हम क्या होंगे, हम ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, अपर पोर्शन, तो वो जो है मोशन में रहना चाहता है, तो वो आगे की तरफ जाएगा, ओके, क्योंकि बस पहले आगे की तरफ जा रही थी, तो वो आगे की तरफ जाएगा। यानी इससे क्या होगा, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील होता है। सिमिलरली When we are standing in a bus, जब हम बस में खड़े हैं, the bus begins to move suddenly, और एकदम से जो है बस क्या है, चलने लगती है। We tend to fall in backward, और हम कहाँ गिरेंगे, पीछे की तरफ। Thus feel jerk in backward direction, okay? तो हमें jerk जो feel होगा वो हमें backward direction में होगा, और तब ज़्यादा होता है जब हम attentive नहीं होते हैं उस position के लिए। Now यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, तो आप जो है इन डायग्राम से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर हमें झटका लगता है, ठोकर लगती है, इस तरह से ये स्टोन है, तो क्या होता है, हम आगे की तरफ गिरते हैं, ओके। अब यहाँ पर भी इसी तरह सेम एग्जांपल होगा कि अगर हम टकराते हैं तो हम तब भी क्या होंगे, आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि जो हम जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, लाइक जैसे मोटरसाइकिल है,
तो ये तो एकदम से रेस्ट में आ जाती है, बट हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट में रहना चाहती है, वो मोशन में रहना चाहती है. ओके, सो दिस प्रूव द लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ नेक्स्ट इज सम इंसिडेंट्स. यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं इनर्शिया. एवरी ऑब्जेक्ट अपोज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो अपनी जो उसकी स्टेट है ओके उसको अपोज करता है अगर उसमें कोई चेंज होता है तो. सो एवरी ऑब्जेक्ट अपोज द चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इट टेंड्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. जैसी सिचुएशन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसी में रहना चाहता है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. तो इनर्शिया को हम कैसे मेजर करेंगे कि किसका इनर्शिया ज्यादा है, वो डिपेंड करता है उसके मास पे. मास लाइक देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बस है एंड सेकंड आप कह सकते हो बाइसिकल है. तो आप बताइए अब इसमें किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, इसमें मास किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली बस का जो है मास ज्यादा है, तो इसका इनर्शिया भी इसका ज्यादा होगा और बाइसिकल का इनर्शिया कम होगा. आई होप बच्चों आपको यहाँ से क्लियर है. नेक्स्ट, हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्जर इनर्शिया इन कंपैरिजन टू द लाइटर ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच वी नीड टू अप्लाई मोर फोर्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. अब इनर्शिया उसका ज़्यादा है तो उसको हमें आप कह सकते हो मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको मोशन में लाने के लिए. ओके, सम इंसिडेंट्स बेस्ड ऑन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे यहाँ पे कुछ जो है इंसिडेंट्स जो है वो दिए गए हैं. फर्स्ट क्या है, लीव्स में गेट डी अटैच वाइल शेकिंग द ब्रांच ऑफ द ट्री विग्रेसली. तो जब हम बच्चों जो ट्री है उसको शेक करते हैं तो लीव्स जो है वो नीचे गिरती हैं. ऐसा क्यों होता है कि पहले जब हम उसको शेक नहीं कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें किस में है, रेस्ट में है. जैसे ही हम उसको शेक करने लगते हैं, हिलाने लगते हैं, तो जो ब्रांचेज हैं वो तो मोशन में आ जाएंगी, बट जो लीव्स हैं वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में बनी रहना चाहती हैं, जिसके कारण वो डी अटैच हो जाती हैं. और बच्चों जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल्स जो हैं, जो ये एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एप्लीकेशन यही एग्जाम में पूछे जाती हैं. नेक्स्ट क्या है, व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल चेंज द पैसेंजर टेंड टू फॉल और फील जर्क इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हम आगे और पीछे की तरफ जर्क जो है वो फील करते हैं. नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ डर्ट पार्टिकल फ्रॉम कारपेट वाइल हीटिंग इट विद अ स्टिक. तो जब भी हम स्टिक से कारपेट को जो है हीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल वो नीचे निकलते हैं, बिल्कुल वही स्टेट ऑफ जो रेस्ट है उसमें बने रहना चाहते हैं वे. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो फोर दिया गया है बच्चों, डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो कि हम आगे की तरफ ही गिरेंगे और इसमें आपने जो है ये एक्टिविटी जो है प्रीवियस क्लासेस में भी की हुई है. इसमें क्या होगा, हमने ये जो गिलास लिया है इसमें हमने जो गत्ता लिया है और ऊपर क्या है, ये कॉइन है. तो अगर हम गत्ते को किक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये कार्डबोर्ड जो है ये आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो कॉइन है वो किसमें, गिलास के अंदर चला जाएगा. क्यों? क्योंकि जो कॉइन है वो अपनी रेस्ट स्टेट में बना रहना चाहता है और कार्डबोर्ड पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है. तो ये प्रूव करता है लॉ ऑफ इनर्शिया को. नेक्स्ट, यही जो है आप सेम जो है इसमें कैरम पे भी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल जो हमें गिवन है, नंबर 5, ग्रूस इज प्रोवाइडेड इन अ सॉसर फॉर प्लेसिंग द टी कप. तो जो बच्चों सॉसर होती है उसके अंदर ग्रूव्स बने होते हैं ताकि जो कप है उसकी पोजीशन वो वहाँ पर एक तरह से फिक्स हो जाए और वो हिलेना और चाय गिरेना. ठीक है, अब देखिए, हिटिंग हैमर फ्रॉम बैक ऑफ इट्स हैंडल बाय कारपेंटर. तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जाम्पल है. अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके गिवन हैं, आप हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, डिफाइन इनर्शिया. तो हमने इनर्शिया की डेफिनेशन अभी ऊपर की है, तो इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए आपको इसका आंसर वर्कशीट में ही मिल जाएगा. ये देखिए, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनर्शिया. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है, यहाँ से लिखेंगे. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको लिखना है, स्टार्टिंग में ही हमने इसकी डेफिनेशन की है. ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन
unless acted upon by an unbalanced force, and this is also known as law of inertia. तो ये first law of motion का जो है आपका definition रहेगी. question number 2 का answer है बेटा ये. चलिए question number 3 करते हैं. In which direction the passenger will feel the jerk and if the bus start moving suddenly? Okay, explain. तो इसको कैसे लिखना है हम discuss करेंगे. अब हम इसका आंसर आपको देंगे. आप क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं पहले. विच विल हैव मोर इनर्शिया? आप बताइए बच्चों, कार और बस में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, सोचिए. जी हाँ बिल्कुल, बस का इनर्शिया जो है वो ज़्यादा होगा. बाइसिकल और मोटरसाइकिल में किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका मास ज़्यादा है यहाँ पे, बाइसिकल या मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल का मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. नेक्स्ट गिवन है आपको ए कार्ट एंड अ ट्रेन. तो बच्चों कार्ट क्या होती है, बैलगाड़ी, और ट्रेन. तो आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, कार्ट का होगा या ट्रेन का होगा. सो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट. आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है. कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.